ये मंदिर बैंगलोर से बाई रोड 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से इस मंदिर की दूरी 100 किलोमीटर है। बाई ट्रेन आपको कहीं से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी इस जगह की। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों को दक्षिण भारत के महादेव के एक ऐसे मंदिर में साथ लेकर जाऊंगी जो अपनी बहुत सारी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ 1 करोड़ शिवलिंग है। जी, 1 करोड़ शिवलिंग। दूर दूर तक पूरे मंदिर प्रांगण में आपको सिर्फ शिवलिंग दिखेंगे, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार और आकार के, छोटे से बड़े हर तरह के शिवलिंग। दूसरी ये कि वहाँ 108 फीट ऊंची शिवलिंग है जो कि एशिया की सबसे ऊंची शिवलिंग है, और उसी मंदिर प्रांगण में आपको एशिया की सबसे छोटी शिवलिंग भी मिल जाएगी। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी नई वीडियोस के लिए, और देखिए अब मंदिर को। तो निकल चुकी हूँ मैं कोटिलिंगेश्वरा मंदिर के लिए, जो कि कर्नाटक के कोलार जिले के कमसंद्रा गांव में स्थित है। कोलार अपने गोल्ड फील्ड्स की वजह से प्रसिद्ध है, आपने केजीएफ में तो देखा ही होगा। जी हाँ, ये वही कोलार है, लेकिन आप एज अ टूरिस्ट गोल्ड फील्ड्स देख नहीं सकते, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। लेकिन सड़क के दोनों किनारों पर हरे भरे खेतों के साथ एक चट्टानी इलाके का सुंदर दृश्य आपका मन मोह लेगा। पहुंच चुकी हूँ मैं मंदिर, और ये मंदिर का पहला प्रांगण है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एक छोटी छोटी मंदिर है, और सबसे पहले स्थापित शिवलिंग भी है। 1980 में सांबा शिव मूर्ति द्वारा इस मंदिर के दूसरे प्रांगण की स्थापना पहले शिवलिंग स्थापित करके की गई थी। 15 एकड़ में फैला इस मंदिर में विभिन्न आकार के 1 करोड़ शिवलिंग है। इसकी खूबसूरती को यहाँ के 108 फीट ऊंचा शिवलिंग, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, वो बढ़ाता है। और साथ में यहाँ 35 फीट बड़ी नंदी है जो कि सामने दिख रही है। ये 108 फीट ऊंची शिवलिंग है, और इसके सामने बिल्कुल 35 फीट ऊंची नंदी की मूर्ति है। ये एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। स्थानीय लोगों के हिसाब से इस मंदिर की कई पौराणिक कथाएं हैं। माना जाता है कि यहाँ सबसे पहला शिवलिंग ऋषि गौतम द्वारा स्थापित किया गया था। कहानी कुछ इस तरह है कि देवताओं के राजा इंद्र एक बार ऋषि गौतम को श्राप दे दिए थे। ऋषि खुद को श्राप से मुक्त करना चाहते थे, और उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने 1 करोड़ नदियों के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। वही शिवलिंग आज भी मंदिर में स्थापित है। ऐसी कई कहानियां हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ प्रांगण में 1 करोड़ शिवलिंग के साथ और भी कई देवी देवताओं के 17 छोटे छोटे मंदिर हैं, जो इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। मंदिर का मेन फेस्टिवल शिवरात्रि है। पूरा मंदिर उस वक्त सजा रहता है और काफी सुंदर दिखता है। यहाँ कोने में ये शनि मंदिर है। मंदिर सुबह 6 से शाम के 9 बजे तक खुली रहती है। प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 30 रुपये है। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो 6,000 से उसकी फीस शुरू होती है। बाहर निकलने पर आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जिसमें आप कई तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं, पूजा की कई चीज़ें खरीद सकते हैं, और भी छोटी छोटी खिलौने और भी कई काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा मंदिर का अपना पार्किंग है जिसमें 30 रुपये चार्ज है। तो कैसा लगा आपको ये मंदिर, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप जा चुके हैं ऑलरेडी ये मंदिर, तो आपका अनुभव कैसा रहा ये भी कमेंट करके बताइए।
ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इस सफ़र में बने रहिए। अब फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह के डिटेल्स के साथ। अभी के लिए थैंक यू, बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं। अगर आपका मंदिर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ कमेंट।